नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आज सागर के मकरोनिया नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो है सोमवार को मकरोनिया चौराहे स्थित रानी अवंतीबाई प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मकरोनिया नगर पालिका द्वारा प्लेसमेंट ठेके पर सफाई का काम बंद करा कर सफाई कर्मचारी को नियमित किया जाए। साथ ही नगर पालिका मकरोनिया में पंचायतकालीन कर्मचारी जैसे सफाई कर्मचारी या अन्य कार्यों पर कार्यरत है, समस्त पंचायत कर्मचारियों का नगर पालिका में संविलियन किया जाए। इसके साथ ही मकरोनिया नगर पालिका का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और सफाई कर्मचारी कम हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि पहले भी मकरोनिया नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से इन मांगों के संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। पहले 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया गया और एक सूत्रीय ज्ञापन के सिर्फ हमें नगर पालिका कर्मचारी घोषित की, बस 7 दिन का एक स्मरण पत्र दिया गया और पूरा आंदोलन खोला, परंतु तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें नगर पालिका कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता। कितने कर्मचारी नगर पालिका में काम कर रहे हैं इस समय? 110 कर्मचारी हैं। किस माध्यम से काम कर रहे हैं? अभी तो ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब पहले 2018 में समझौता हुआ था उस समय हर वर्ष आप PM होते हैं, उन्हें यह कह दिया था कि शासन से हम लेटर लिख रहे हैं कि आपको नगर पालिका कर्मचारी दैनिक वेतन में रखा जाए और 4 लेटर नगर निगम पालिका मकरोनिया की ओर से CM भूमिका को चलेगा। मगर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम इस आंदोलन के माध्यम से क्यों